कहते हैं जब आप मुश्किलों में हो ना तो ऊपर वाला किसी ना किसी को आपके सामने लाकर जरूर खड़ा कर देता है और आपको रास्ता मिल जाता है। अब क्योंकि ऐसा मेरे साथ खुद हुआ तो मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, एक दिन अचानक से ना मैं किसी शॉप पर जा रही थी, मुझे कुछ टॉय लेना था एक्चुअली। तो जो मेरे नोन में शॉप थी वो बंद थी और वो मेरे पास भी पड़ती थी, लेकिन क्योंकि मुझे वो टॉय लेना जरूरी था तो मैंने उस शॉप को बंद देखा तो आगे निकल गई और मैंने सोचा दूसरे टॉय शॉप से सामान ले लेती हूँ। जैसे मैं दूसरे शॉप पर गई, मैंने सामान लिया, मैं वापस अपने गाड़ी में बैठी ही थी कि अचानक से मेरी कार के विंडो के बाहर एक महिला स्कूटी पर आती है और उसने इशारे में कहा कि हाथ जोड़कर कि प्लीज हेल्प मी। एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि आजकल आप किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुछ जरूरत पड़ी हो, तो मैंने अपने विंडो ग्लास को थोड़ा सा खोला, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए, राइट। तो मैंने थोड़ा सा ओपन किया और फिर मैंने पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना वॉलेट भूल आई हूँ और मैं UPI यूज नहीं करती हूँ और मेरी स्कूटी का जो पेट्रोल है वो खत्म होने वाला है और मैं कभी भी परेशानी में फंस सकती हूँ, पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है और मुझे पेट्रोल डलवाना है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कुछ पैसे मुझे दे सकती हैं ताकि मैं पेट्रोल भरवा सकूँ। अब मुझसे मना नहीं किया गया और मैंने झट उन्हें पैसे दे दिए। अब कितने रुपए थे वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में पैसे थे और मुझे लगा कि जो सामने वाला है, जो मुझसे मदद की दरकार रखता है, उसे मुझे हेल्प जरूर करनी चाहिए, और मैंने उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने मुझे थैंक यू बोलकर स्माइल देकर वो चली गई। और काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी वो महिला थी, इंग्लिश में वो बात कर रही थी और उन्हें ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी और मैं हेल्प करके वहां से अपनी गाड़ी मोड़ते हुए वापस लौट गई। अब रास्ते में जब मैं वापस लौट रही हूं तो जानते हैं क्या हुआ, जब मैं वापस लौट रही तो मैंने देखा कि जो टॉय की शॉप बंद दिखी ना मुझे, जो कि नोन में थी, वो दुकान खुल चुकी थी। अब मैंने सोचा कि यार मैं क्यों इतनी दूर गई, ये शॉप तो खुल गई, लेकिन फिर मैंने सोचा ये कि अगर ये दुकान खुली होती और मैंने यहां से अपना सामान ले लिया होता तो शायद मैं उस शॉप पर नहीं जाती, और अगर मैं उस शॉप पर नहीं जाती तो वो जो मदद की दरकार लिए बैठी थी महिला जिससे मैं मिली और उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने हेल्प की, तो शायद ऐसा हो भी नहीं पाता और शायद किसी और के सामने अगर वो हेल्प मांगती तो ना जाने वो करते या नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि आप मुश्किलों में हो तो कोई ना कोई जरूर आ जाता है, क्योंकि वो शॉप बंद थी और मैं आगे वाली शॉप पर गई और वो महिला मिली, मैंने उनकी हेल्प की, तो दिल को सुकून मिलता है। और इसीलिए कहती हूँ ऊपर वाले पर जरूर भरोसा रखिए।